एक और जो बहुत बड़ा डायलमा हमारे मुल्क का है, ऑर्गेनिक कह के चीज़ें बेची जा रही होती हैं, लोगों को नहीं पता कि ये ऑर्गेनिक क्या है। मैंने कितनी जगह स्टूडेंट्स जो उसी से फील्ड से रिलेटेड है उनको जो मुंह से कहते हुए सुना ऑर्गेनिक, तो मैंने उनको जाकर 5-5 मिनट खड़ा होकर मैंने उनको बोला, बेटा फूड एंड साइंसेज के आप स्टूडेंट हैं, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, लेकिन आपको जो है ऑर्गेनिक का नहीं पता। उनको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो चाहिए क्या है कि वो चाहते हैं कि बस हमारी डिग्री हो, हमें डिग्री मिल जाए, उसके बाद हमें जॉब मिल जाए। हमारा निज़ाम तालीम वो नहीं है कि हमारे उस्ताद जी, नहीं, ये कसूरवार हमारे वालदैन हैं और हमारे स्टूडेंट्स हैं कि हमने स्टडी नहीं करनी। हमारे पास इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं, लेकिन हमने जाकर उसको लेटेस्ट रिसर्च को नहीं पढ़ना। ठीक है, ये हमें फ़ायदा देती है टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं ना चाहूँ तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो फिर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं अपना 40,000 का बिल भरता था इंटरनेट का 512 के कनेक्शन के लिए। सो आज आप सोचिए कि मेरे पास उससे कहीं तेज़ स्पीड का इंटरनेट सिर्फ 1200 रुपये, 1200-1800 रुपये में मौजूद है। चलो, और आपकी वो जो डॉलर वाली डिबेट, मतलब आपकी जो वीडियो थी मैंने सुनी, तो उसमें मुझे आप डिसअपॉइंट नज़र आए। सो हाँ, मुझे कुछ ज़्यादा नज़र आए। सो मैं देखें, मैं कभी पहले हुआ करता था, डिसअपॉइंट भी होता था, टेंशन भी लेता था। आप यकीन कीजिएगा, 5 साल से जो है ना बड़ा काम है, नहीं उसका दखल जो है ना वो ये एज नहीं है, असल जो चीज़ है ना वो मेरे उस्ताद हैं। मतलब उस्ताद कोई भी हो सकता है, मैं मतलब लोगों को सुनता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का जो है ना मतलब पर्दे हटे, तो फिर मुझे समझ आई। उसमें दीनी स्कॉलर भी थे और मतलब पॉलिटिशियन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, जो भी। सो उनसे जो मैंने सीखा तो उससे मुझे मतलब एक ठहराव सा आया और बहुत सारी चीज़ों के सवाल के जवाब मिले अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए, उसमें भी यही था कि देखिए कुछ चीज़ें जो है ना बड़ी हमारी लाइफ जो है ना एक्सपेक्ट वो जो पिक्चर्स होती है ना स्टेप किस्म की, कि वो उसका कुछ समझ नहीं आ रही होती है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बंदा बैठा रहे, उसको देखता रहे, फिर उसके बाद जो है ना वो उसके पर्त बर्त पर्त खुलते हैं और बंदा जो है, उसके शर्त ये है कि उसको ज़रा सुकून से देखो, गहराई से देखो, सो फिर आपको बात समझ में आना शुरू होती है और जो अल्लाह चाहता है। सो वो आपने देखना होता है कि आप जो है मकसद क्या है। सो सिर्फ अच्छा मेरा मकसद ही नहीं होता, फिर आपके मकसद के साथ दूसरों के मकसद भी जुड़े हुए होते हैं। सो उसमें जो है वो मैं ये समझता हूँ कि देखिए वो उसने ऐसे कह दिया, उसने वो कर दिया, हम पेटी किस्म की जो डिस्कशंस होती है ना उसमें उलझे रहते हैं, वो डॉलर आज इतना हो गया है, उसने वो ये हो गया है, वो वहाँ पे उसने हमला कर दिया है, और उसी में हम उलझे रहते हैं और जो हमारे को करने के काम है वो हम करते ही नहीं हैं। सो वो अच्छा इसमें ये नहीं है, मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ, मुझे भी, मैं भी वही धारे में बहना शुरू हो जाता हूँ, यानी कि बंदे भाग रहे हैं तो मैं भी देखता हूँ अच्छा यार भागना है तो मैं भी भागना शुरू कर देता हूँ। सो वो मेरी फितरत है ना, तो वो उसी चीज़ को हमारे लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब माशाल्लाह आपने उसने बहुत अच्छा इंटरव्यू करा था, वो जो एक साहब आए थे जो PhD थे HR में, सो मैं नाम भूल रहा हूँ माजद के साथ, वो बीच में ही से स्टार्ट हो जाता है तो वो नाम इतना वो नहीं होता। सो उसमें जो है वो बड़ा अच्छी बात करा, आपने सवाल किया मार्केटिंग क्या होती है, सेल्स क्या होती है, मतलब वो जितना मतलब मुख्तसर वक्त में जो आपको बता सकते थे बहुत अच्छी चीज़ थी, लोगों के लिए बड़ी कारामद चीज़ थी जो सेल्स में जाना चाहते हैं, जो मार्केटिंग करना चाहते हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त चीज़ थी। देखें इस वक्त जो मैं फूड से रिलेटेड हूँ तो मुझे मालूम है किस तरीके से फूड इंडस्ट्री में हमारे को क्या क्या खिलाया जा रहा है। अब मैं उसमें मैं उससे बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। अब आप यकीन कीजिएगा कि मैं बहुत सारी जगहों पे ऐसा काम कर रहा होता हूँ यार स्पॉन्सर मिल जाए, लेकिन मुझे मैं नहीं लेना चाहता, क्यों कि मुझे उससे अगेंस्ट बात करनी है उनसे, तो मैं क्या कैसे फिर मतलब अपने ज़मीर को मार लूँ और फिर उसके बाद फिर मैं उनसे अगेंस्ट तो बात नहीं कर सकता। यानी कि अगर वो नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैंने उनसे मतलब कुछ स्पॉन्सर्स लिया हुआ है तो मैं तो फिर मेरी तो बंद हो गया ना, अब मैं बोल नहीं सकूँगा ना। नहीं वो नहीं वो देखिए ना वो फिर मतलब उनका ज़र्फ भी तो इतना बड़ा होना चाहिए ना। नहीं वो है, लेकिन हमारे माशरे में ज़रा सा नहीं, मैं तो फिर आपको बहुत
मतलब बहुत अच्छा खुशनसीब समझूंगा कि आपको बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, नहीं मुझे भी मिलते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वही वाली बात है ना कि हाँ जी बिल्कुल। सो उसमें ये होता है कि हमें क्या किया जा रहा है। अब मार्केटिंग वो दो लफ्ज चार लफ्ज या छोटा सा आपको समझा देना, अब वो हर किसी के समझ में नहीं आएगा। सेल्स उन्होंने बड़ा अच्छी चीज़ें मुख्तसर वक्त में जो है वो बता रहे थे, उस पर नीचे एक कमेंट्स आया, मुझे माजरत अगर ये चला जाए, और वो उस पर एक साहब ने कहा यार ये टाइम वेस्ट है और आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं। सो नहीं मुझे भी वो लगा कि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप यकीन कीजिएगा मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद जो है वो उसमें देखने वाले कितने होते हैं, 100, 50, 500 पहुँचता है ना, बोलता हूँ वाह भाई बहुत ज़्यादा देख लिया लोगों ने, उनके ही मतलब की चीज़ होती है। अच्छा मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब मेरे वो टारगेट नहीं होता कि 1,00,000 देख लें, मुझे मालूम है वो कचरा है, लेकिन मैं भी यही चाह रहा होता हूँ कि क्वालिटी ऑफ मतलब व्यूअर हों जो उसको समझें, वो उसको देखें और उसके ऊपर डिबेट करें, उसको आगे शेयर करें, फॉरवर्ड करें। मेरी बहुत कम मतलब मैं लोगों से कह रहा होता हूँ कि जी इसको प्लीज़ शेयर करें ये वो, कहीं पे मेरा दिल चाह रहा होता है कि ये लोगों तक पहुँच जाए, तो फिर मैं बड़ी मुश्किलों से उनसे कहता हूँ प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, दूसरों का फ़ायदा हो जाएगा इसके अंदर। सो इस टाइप की जो है मतलब मेरे जो है वो वास्ते पढ़ते हैं। अच्छा मैं कुछ दूसरी जो कल आपने जो डिस्कस किया एग्रीकल्चर के हवाले से, सो मेरे लिए थोड़ी सी शॉकिंग होती हैं आपकी ना कुछ चीज़ें। ज़ाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा इंटरनेट है, बहुत सारे लोग हैं, आपको भी मतलब जो पोस्ट आ रही होती है जब बैठे होते हैं उसी में से, और जो मेरे पास मतलब लिमिटेड टाइम होता है उसमें से आपको पिक करता हूँ, तो वो मुझे नहीं पता था कि आपने एग्रीकल्चर में क्या काम किया हो, तो आपने जो उसकी बात की तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए कि मैं तकरीबन 2 साल से लगा हूँ सो इस पर वर्किंग कर रहा था। सो बड़ा अच्छा लगा कि आप जो है वो करना चाहते हैं। आप यकीन करिएगा कि जब मुझे पता चला कि मेरे मुल्क में ये है और मेरी मुल्क किस जगह पे वाकई है, जो ज़मीन की जो पोजीशन है उसकी वजह से जो हमारे पास क्लाइमेट्स है, जो सॉइल है और जो क्रॉप्स हैं, जो किसान हैं, आप मैं बस बयान नहीं कर सकता। सोना सर बहुत कुछ है, मतलब वो तो और अलग चीज़ है, लेकिन मैं सिर्फ एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ। हमारे पास कितने मेहनती लोग मौजूद हैं, इतने ज़हीन, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, जो बिल्कुल समझ नहीं रखते, आप उनसे बैठ के बात कर लें आप बोलेंगे ये बोलना तक नहीं आता इनको, लेकिन वो इतनी ज़बरदस्त नॉलेज रखते हैं, वो साइंटिस्ट जो है ना उनके आगे कुछ नहीं, वो इतने ज़बरदस्त हैं। लेकिन आप यकीन कीजिए कि अगर उनको जदीद टेक्नोलॉजी की नॉलेज दे दी जाए और वो इस पर राज़ी हो जाएं, तो आप बताइए वो क्या ना कर दें। वो हर जो आदमी है वो आइंस्टाइन है, लेकिन वही वाली बात है कि वो जो है ज़ाया हो जाता है बेचारा, वो बूढ़ा मतलब जवान से बूढ़ा होता है, ख़त्म हो जाता है, और वो अपना सिर्फ 5%, 2% दे के इस दुनिया से चला जाता है। ये बहुत ही खौफनाक चीज़ होती है और अफसोस दर अफसोस चीज़ है कि हमारा जो हमारे पास जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है वो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन वो अब मुझे जो चीज़ नॉलेज मिली है मैं उसको ट्रांसफ़र करूँ, किसी तरीके से उन तक पहुँचाऊँ। ये देखें यही काम मेरे नबी का भी है, उनको भी अल्लाह ताला ने मैसेंजर बना के भेजा इस दुनिया में कि उनका पैगाम जो अल्लाह का पैगाम था वो उनके मुंह से जो है वो जारी होता था। तो वही चीज़ है जो हमारा वही मकसद है कि हम मेरे को आपसे एक चीज़ पता चलती है। सो मैं ये मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मैं जो है वो उसके उस तक पहुँचा दूँ, अगर मेरी फूड से रिलेटेड है, मेरे मतलब किसी तरीके से भी उसकी उसका इंसानियत का फ़ायदा होता है उसके अंदर, सो वो मैं उसको कन्वे करूं। सो ये भी मेरा मकसद है। वो बड़ा अच्छा लगा आपका कि आप जो है वो एग्रीकल्चर के हवाले से वर्किंग करें, मतलब तालीम के हवाले से और लोगों को एजुकेट के हवाले से, तो बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन उसमें जो ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने जो हमारे को दिया हुआ है, देखिए टूरिज़्म, देखिए मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ
और जो आप सफ़र की बात कर रहे थे, मैं सफ़र में सफ़र को पसंद करता हूँ, इंग्लिश के मतलब उर्दू वाले सफ़र के साथ मुझे इंग्लिश वाला सफ़र अच्छा लगता है, वो एक आरामदेह तरीके से। आप देखिए टूरिज़्म हमारे मुल्क का जो है, वो टूरिज़्म में जो मींस गोरा क्या मतलब हमें डॉलर चाहिए, पूरी इंडस्ट्री जो है वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री जो है टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो अब कमा रही है और हम कुछ नहीं कर रहे। क्यों? हमारे पास वो हम उसको किस तरह से करना चाहते हैं, हम उसे करना चाहते हैं कि वो कॉस्मेटिक्स किस्म की चीज़ें हों, हम 5-star 7-star होटल्स बनाएं और तब हमारे पास जो है ना वो जो फॉरनर्स जो है ना टूरिस्ट आएगा। जी ये गलत फहमी है कि वो उसको वो चीज़ें नहीं चाहिए। वो तो लास वेगास में 7-star होटल्स मौजूद हैं, बेहतरीन से बेहतरीन होटल्स मौजूद हैं, जिसका वहाँ पे 2-star होटल्स हमारा यहाँ का 5-star मॉडल का मुकाबला नहीं कर सकता, सर्विस नहीं दे सकता। लेकिन सर उसको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, उसको चीज़ें दूसरी किस्म की चाहिए, उसको नेचर चाहिए, उसको फूड से रिलेटेड चीज़ें चाहिए जो कि आपका नेबर इंडिया जो है वो कितना उसमें जो है वो अर्निंग कर रहा है। हम उसे नेचुरल फूड नहीं दे सकते, उन्हें हम हाइजीनिक फूड नहीं दे सकते। हम क्या देते हैं? हम कढ़ाई बना रहे होते हैं। हमारा जो लोकल टूरिस्ट है वो वहाँ पर जाकर पिज़्ज़ा और कढ़ाई को ढूंढ रहा होता है। मैं इस मरतबा नारान गया, मुझे देख कर हैरान हो रहा हूँ, वो पिज़्ज़ा बर्गर और वो भी फास्ट फूड जो है वो मुझे हैरान हुई। मैंने उस होटल्स में जो उनके पास भी गया, मैंने लगा यार यहाँ का कोई लोकल तो बताओ, पता चला कि लोकल्स तो यहाँ होते ही नहीं हैं, वो तो मज़ाफात में हैं। ये मैं मतलब मैं जानता था, लेकिन कहने का मतलब है कि वो ये हमें मतलब आम जो टूरिस्ट जाता है वहाँ पे, वो उसको यही सब सुनने को मिलता है। देखिए यही वो क्या चाहता है, वो चाहता है जो फॉरनर टूरिस्ट है जो कि हमारे मुल्क को बेहतरीन ज़र मबादा दे सकता है, उसको जो है नेचुरल फूड चाहिए। अब हमें फूड का नहीं मालूम। अच्छा हमारे पास फूड क्या है? हमारे पास नेचुरल फूड ही नहीं है। आपने उससे इंटरव्यू किया था ना गिलगित, जो गिलगित बल्तिस्तान उसका स्कर्दू का जो होता, देखिए उस तक को नहीं पता कि मेरे पास वहाँ पर क्या क्या है और उसको क्या क्या कर सकता है। आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर जाके देखिए कि उन वो क्या क्या नहीं कर सकते, उसे कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं नेचुरल तरीके से उन्हें, और उसको प्रिजर्व करने के तरीके देखें कि वो किस तरीके से इनहाइजीनिकल तरीके से उसको प्रिजर्व कर रहे हैं और उसमें केमिकल का यूज़ कर रहे हैं जो कि आप एक्सपोर्ट होगी और फ़ौरन रद्द कर दी जाएगी। उसको नहीं मालूम, उसको एजुकेशन नहीं है। अच्छा फिर उसी के साथ साथ वहाँ का जो फार्मर्स हैं उसको नहीं मालूम कि मैं इससे ज़्यादा फसल कैसे ले सकता हूँ नेचुरल तरीके से। आप हम एक और जो बहुत बड़ा डायलेमा हमारे मुल्क का है, ऑर्गेनिक कह के चीज़ें बेची जा रही होती हैं, लोगों को नहीं पता कि ये ऑर्गेनिक क्या है। ऑर्गेनिक एक सर्टिफिकेशन है जो आपके मुल्क में पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि आपका सॉइल ऑर्गेनिक नहीं है। और ये सर्टिफिकेशन कौन देगा? ये यूरोपियन सर्टिफिकेशन जो ऑर्गेनिक जो कंपनी है वो ऑर्गेनाइजेशन है वो देगी? सर आपको वो दे ही नहीं सकती है, उसकी स्टैंडर्ड है। अब वो लोग उसको कह के मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां ऑर्गेनिक कह के बेच रही होती हैं, मतलब मैं उसमें लिखती नहीं है इसलिए कि वो पकड़े जाएंगे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम। मैंने कितनी जगह स्टूडेंट्स जो उसी से फील्ड से रिलेटेड है उनको जो मुंह से कहते हुए सुना ऑर्गेनिक, तो मैं दूसरों को तो मैं मतलब चुप हो जाता था, लेकिन मैंने स्टूडेंट्स को कहते हुए सुना, तो मैंने आप यकीन कीजिएगा मुख्तलिफ एग्जीबिशन अटेंड की, तो मैंने उनको जाकर 5-5 मिनट खड़ा होकर मैंने उनको बोला बेटा ये ऑर्गेनिक क्या चीज़ होती है, आप इंटरनेट पर जाइए कभी आप स्टडी कीजिए, फूड एंड साइंसेज के आप स्टूडेंट हैं, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, लेकिन आपको जो है ऑर्गेनिक का नहीं पता। सो ये एक इश्यूज़ हैं जो कि हमें नहीं मालूम। अच्छा अब हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो चाहिए क्या है कि वो चाहते हैं कि बस हमारी डिग्री हो, हमें डिग्री मिल जाए और उसके बाद हमें जॉब मिल जाए, यानी कि उन्हें मालूम है कि, और फिर उसके बाद जब जॉब नहीं मिल रही है तो बेरोज़गारी है और हमें हमारी फील्ड की जॉब नहीं मिल रही है। कैसे मिलेगी जॉब? आपने सिर्फ जॉब के लिए पढ़ा था, आपको नॉलेज नहीं है, आपको आपके काम में क्रिएटिविटी नहीं है, तो आपको किस तरीके से जॉब मिलेगी? आप यकीन कीजिएगा कि कितने सारे मेरे पास मैं स्टूडेंट्स से मिला, सो मुझे बहुत खुशी नहीं हुई बल्कि शर्मिंदगी हुई
कि हमारा निज़ाम तालीम, मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा, मैं यूनिवर्सिटीज़ के लेवल की बात कर रहा हूँ, कि उनके लेवल में भी जो है, और ये बात वो नहीं है कि हमारे उस्ताद जी, नहीं, ये कसूरवार हमारे वालदैन हैं और हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो कि जो आप कहते हैं कि हमने स्टडी नहीं करनी, हमारे पास इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन हमने जाकर उसको लेटेस्ट रिसर्च को नहीं पढ़ना, हमने क्या पढ़ना है, वो जो सिलेबस में हमारे पास दिया हुआ है, जिस सिलेबस से हमने जो है ना मास्टर्स करना है, माजरत के साथ पीएचडी करना है, बस दैट्स ऑल। आपके पेपर्स चले जाएंगे, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, आप पीएचडी स्कॉलर्स स्टूडेंट्स हैं, आपका पीएचडी कंप्लीट हो जाएगा, आप थीसिस हो जाएगा, आप कोई उसके अंदर इतनी जान नहीं है। लेकिन मैं ये बात ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल सारे ही ऐसे हैं, बहुत सारे बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं, उनको देख के बस उम्मीद बनती है और अच्छा लगता है, लेकिन जनरली जो है ना वो नहीं है। और यही वो चीज़ है जो मुझे आपकी पसंद आई, कि ये जो YouTube है ये एक यूनिवर्सिटी है, इससे बड़ी कोई यूनिवर्सिटी दुनिया में है ही नहीं। अब उसको आपका काम है, अच्छा हम क्या कहते हैं जी, जी हो नहीं सकता, अच्छा हमें रिसोर्सेज नहीं चाहिए। मैंने एक स्टूडेंट से, मेरे एक बच्ची थी, उसने मुझसे बोला कि हमें, मैंने उसको काम किया था, उसने अच्छा काम था, मैंने बोला बेटा शाबाश, ये वो, इससे अच्छा करो, रिसोर्सेज नहीं है। मैंने बोला बेटा एक बात बताइए, आपने फिज़िक्स पढ़ी है, बुझी पढ़ी है, मैंने बोला उसमें ये बताइए जो आइंस्टाइन ने जो हमें जो थ्योरीज दिए हैं और जो जो उसका काम है वो कैसा है, वो आज तक उसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं, दुनिया जो है वो मदार से बाहर जा रही है, चांद पे चली गई, वो सब उन्हीं की वजह से बदौलत है, जो आज तक हम उसके ऊपर काम कर करके जो है वो आज साबित हो रहा है, और कुछ तो अभी साबित भी नहीं हुआ है, उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फार्मूलाज हैं। सो आप मुझे ये बताइए कि जो रिसोर्सेज उनको मिले थे, क्या वो रिसोर्सेज आपके पास उससे ज़्यादा हैं या उससे कम? उसने बोला उससे ज़्यादा हैं। तो मैंने बोला जब वो उस रिसोर्सेज में वो काम कर सकते हैं तो आपको किसने रोका है? कोई जवाब नहीं था। तो अल्लाह ताला ने हमें किसी तरीके से नहीं रोका हुआ, हमारे पास अगर इंटरनेट नहीं भी है तो ये ना समझें कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास अल्लाह ताला का दिया बहुत कुछ है, जिस पे ही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैंने ऐसे जो है फार्मर्स देखे हैं जो उनके पास कुछ भी नहीं है, उन्होंने अपने आबाओजदाद से सीखा, नेचर से सीख रहे हैं, अल्लाह ताला सिखाता है, अल्लाह ताला किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन ये मेरा फैसला होता है कि मैंने जो है हिम्मत नहीं हारनी है, मैंने समझना है, सीखना है। सो वो सीखता है। आप आज भी चले जाइए, जो हम बात कर रहे थे कि टंडो आदम में जो बच्चा बैठा हुआ है, आप ये वो ठीक है, वो उसके पास इंटरनेट की सहूलत आएगी, दूसरी चीज़ें आएंगी, वो टूल्स आएंगे, टेक्नोलॉजी आएगी, और वो उसे सीखेगा, जो कि मतलब हमारे गुरुओं ने आकर यहाँ क्या किया है, हम पे हुकूमत की है, वो टेक्नोलॉजी की वजह से की है ना, जो आज भी ये जो आज भी कौम जो है टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं, उनका उनकी वजह ही यही है कि वो हमसे ज़्यादा इलम रखते हैं, वो हमसे ज़्यादा जो है रिसर्च करते हैं, वो डिबेट करते हैं, उनके यहाँ टॉलरेंस है बहुत सारी चीज़ें जो कि उनको हमसे ज़्यादा सुपीरियर करती है। यही चीज़ जो है, अगर आप देखिए, अगर आप जाइए, मैं जो हम बात कर रहा हूँ ना, आप ट्रैवल कीजिए और उन इलाकों में जाइए जहाँ पर जो बिल्कुल तालीम नहीं है, जो बिल्कुल पसमानदा है, आप उनके बुज़ुर्गों के साथ बैठिए, फिर आपको हैरानगी होगी कि वो लोग जो है ऐसी आपको चीज़ें बताएंगे जो आपने पता नहीं कितनी मतलब गहरी स्कॉलर से सीखी थी, उनको कहाँ से आ गई? अल्लाह ने हमारे अंदर वदियत की हुई ये सारी चीज़ें, हमें उसे कुरेदना है, वो मदद खुद करता है, उसके लिए अल्लाह की मदद के लिए कोई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह की मदद के लिए कोई और ज़ोर ज़राए नहीं है, उसके सामने सुबह शाम ऐसे ही होती है। ठीक है, ये हमें फ़ायदा देती है टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं ना चाहूँ तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो फिर मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इंसान को अल्लाह ताला ने वो सब कुछ दिया है, आज ये सब बर्बाद हो जाए, क्या गारंटी है कि ये इंटरनेट रहेगा? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई कॉमेट्स आके टकरा गया, अल्लाह ना करे कभी ऐसा ना हो, सो ये सब बर्बाद हो जाएगा ना, लेकिन उसकी रेवोल्यूशन दोबारा से कैसे होगी? सर वो चीज़ अभी भी हमारे अंदर, आपके अंदर, मेरे अंदर मौजूद है, हम ये इंटरनेट दोबारा बना देंगे, हम ये सारी चीज़ें दोबारा करेंगे, किस चीज़ के बदौलत? ये उसी कुदरत के बदौलत है जो अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर वदियत की।
और वो एक नए सिरे से ईजाद करेगा, वो नए सिरे से जो है वो तरक्की करेगा और वो यहाँ से नहीं बहुत ऊपर तक पहुँच जाएगा। लेकिन हमारा कसूरवार ये है कि हमें कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम क्यों नहीं गौर करते, क्यों गौर फिक्र नहीं करते। तो असल मकसद ये है कि हमने गौर फिक्र करना छोड़ दिया और हमने जो है दूसरों का एसी लगा लिया, दूसरों के मोबाइल कैमरे यूज़ करना शुरू कर दिए, अपना कुछ नहीं करना। अल्लाह आएगा, मनोसलवा देगा, इंसानी फितरत है, अल्लाह फरमाता है, मतलब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में जो है वो मनोसलवा की जो किस्सा है वो बताने का मकसद वो इंटरटेनमेंट नहीं है, वो ये बता रहा है कि इंसान की फितरत है कि वो चाहता है कि उसको मनोसलवा आए। जब मनोसलवा आएगा तो बोलेगा मुझे ककड़ी भी चाहिए और मुझे सब्ज़ी भी चाहिए, मेरा ये मनोसलवा से दिल भर गया। तो ये इंसान की फितरत है कि मेरे सामने मुझे आराम से गाड़ी मिल जाएगी, मुझे जो है वो बहुत आपकी बात सही है कि वो फ़कीरों की तरह वो हमें लोन मिल जाएगा और हम अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, हमने तो कुछ करना ही नहीं। ये मैं भी हूँ, इस कसूरवार मैं भी हूँ, सिर्फ ये नहीं कि मैं तकरीर करूँ और सब सही है, इसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी ऐसे ही हूँ। तो मैंने अब उसमें गलत बात हो जाएगी कि मैं उसको रीज़न दूँ कि जैसे मैंने कहा ना दुनिया चल रही है तो मैं भी वैसे ही चलता हूँ। लेकिन देखिए जिस दिन जो है इंसान ने हट के सोचना शुरू किया उस दिन से जो है उसको कोई भी चीज़ जो है ना एक एक तिनका भी उसके लिए जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होगा। यानी कि डूबते हुए को अगर एक तख्ता मिल जाता है तो वो किनारे पे आ जाता है, तो और अगर नहीं भी आए तब भी वो जी सकता है, लेकिन वो उसको एक अल्लाह ताला की मदद आती है। ये अल्लाह ताला की मदद है जो आप बात कर रहे होते हैं, लोग कौम को बता रहे होते हैं। मैं अपनी मिसाल दूंगा, आप यकीन जानिएगा कि मैं बहुत सारी चीज़ों में फंसा हुआ था, मुझे बहुत सारा कुछ ट्रैवल करना पड़ता था, मुझे बहुत सारा सरमाया मतलब अपना सरमाया लगाना पड़ता था जिस नॉलेज के लिए। एक स्टूडेंट से बात हुई, मैंने बोला बेटा जो आज आपके पास चीज़ है उस चीज़ के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे को दिन लग जाएंगे आपको बताने के लिए कि मुझे एक चीज़ के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, आज आपके एक टिप्स पर हैं, आप मोबाइल खोलिए गूगल से पूछिए और वो आपको बता देगा। और वही चीज़ आप यकीन जानिएगा रेहान साहब आपके साथ भी होता होगा, हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती थी कि वो एक चीज़ हासिल करने के लिए। मैं मुख्तलिफ आज से कोई 10-15 साल पुराने जो है मुझसे जो जूनियर्स थे जो NAD के स्टूडेंट्स वगैरह जो माशाल्लाह वो बोलते थे कि असद भाई हम एक मैथ को सीखने के लिए एक क्वेश्चन फंस जाता था तो मैं इतनी दूर जाकर मैं अपने टीचर से या दोस्त से जाके सीखता था। आज वो चीज़ यूट्यूब पे मौजूद है, आप थोड़ा सा ढूंढें आपके सामने वो सारे सॉल्यूशंस मौजूद होंगे। कौन सी चीज़ है जो कि आपके पास, सिर्फ और सिर्फ वो है कि विल नहीं है, तरीक़ेकार नहीं है और हम सुस्त तरीन हो चुके हैं। और यही वो वजह है जो अल्लाह माफ़ी दे हमारे पास नालत है, और यही वजह है कि जो हमारे पास इस माशरे के अंदर जो है ना ये अफरा तफरी और ये आजमाइश अल्लाह ताला की जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है, और उसका शिकार मैं भी हूँ और आप भी हैं और हर कोई होगा। ये जब तक होता रहेगा जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे, नहीं बदलेंगे, और ये सारी रिसोर्सेज, मैं फिर वही वाली बात कहूँगा कि टेक्नोलॉजी की सूरत में, इंटरनेट की सूरत में, सोशल मीडिया की सूरत में, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें बहाम पहुँचा दी हैं। और ये कहने की बात है कि वो ये महंगी हैं, ये कोई महंगी नहीं रही, ये इंतहाई दर्जे की सस्ती हो चुकी हैं। आज से मतलब मैं IT की जॉब करता था, मैं जाफर बैदर में एज ए नेटवर्क इंजीनियर था, सो मैं अपना IT का बिल जो भरता हूँ वो मैं हैरान हो जाता हूँ कि वो उससे कहीं 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 फास्टर इंटरनेट मुझे मिलता है और वो कितने कम रेट पर होता है कि वो उस वक्त का मतलब है पीनट्स। मैंने 40,000 का बिल भरता था इंटरनेट का, ये 512 के कनेक्शन के लिए। सो आज आप सोचिए कि मेरे पास उससे कहीं तेज़ स्पीड का इंटरनेट सिर्फ 1200-1800 रुपए में मौजूद है। सो ये हमारे पास ब्लेसिंग है या नहीं है, ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है हमारे ऊपर। फिर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मतलब ये तो आपने जनरल बात की तो मैं इस तरफ चला गया, लेकिन आप मैं अपने तहीं का काम कर रहा हूँ, मेरा ताल्लुक जो है वो फूड से रिलेटेड है। आप यकीन कीजिएगा कि मैं एक कन्वेंशनल मतलब मैंने पहला जो कोर्स किया था वो 95 में मैंने छोटा सा कोर्स किया,
پروفیشنلی. سو بڑا اچھا لگا, لیکن وہی ہمارے ہمارا جو ایک معاشرتی ہمارے مسائل ہیں, ہمارے جیسے ہمارے معاشرتی مسائل ہیں کہ مطلب ہمیں فائنانس کی ضرورت ہوتی ہے. میں ایک درمیانے طبقے سے تعلق رکھتا تھا, میرے فادر اتنا سپورٹ نہیں کر سکتے تھے مجھے. سو مجھے جو ہے وہ اپنی دوسری تعلیم کو بھی جاری رکھنا پڑا. میں نے الیکٹرو میکینیکل ہوں, مطلب میں نے میکینیکل الیکٹریکل سے جو ہے وہ کورسز وغیرہ کیے اور ڈپلوما کیا, اور پھر میری جابس جو ہے وہ جو جابس ملی میں نے وہ کی. لیکن آپ یقین جانیے گا کہ میرا پیشن, میرا جو جنون تھا وہ فوڈ سے ریلیٹڈ. سو پھر جب میں نے میری مطلب فائنینشیل آسودگی ہوئی, اب پھر میں نے اپنی دل کی سنی اور پھر میں نے جو ہے وہ دوبارہ اس فیلڈ میں آیا. اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو اور اچھی, اب جو فائنل جو میں کر سکتا تھا میں نے وہ کیا. اس کے بعد جب میں نے یہاں کے ریسٹورانٹس اور ہوٹلس کا حشر دیکھا, تو آپ یقین کریں میرا دل کھٹا ہو گیا. پھر میں جس طریقے سے لوگوں کو موت نہیں بانٹ سکتا تھا, میں بولتا تھا چلو یار دودھ میں پانی ملاؤں گا نا تو کسی کو کم غذائیت ملے گی نا, لیکن میں دودھ میں اگر کیمیکل ملاؤں گا تو میں تو موت بانٹ دی. تو یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا تھا, آپ یقین کیجئے گا. پھر کوشش کی کہ دبئی میں, پھر وہ میں وہاں پر مطلب اپنا ریسٹورنٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن وہاں پر بھی بہت سارے ایشوز تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ مطلب کنٹینیو نہیں کر سکا. آنے کے بعد بھی جو ہے نا میں نے یہی سوچا کہ نہیں یار, اب میں نے آفرز بے تحاشا آفرس آئیں, لیکن میرا دل نہیں چاہتا تھا. سو میرے پاس اتنی کیا کہتے ہیں ذمہ داریاں نہیں تھیں کہ میں مجبور ہو کر کوئی وہ کروں. تو میں بولتا تھا میں اللہ کو کیا جواب دوں, ٹھیک ہے اگر کوئی ایسا ہو کہ آج مجبور ہے تو وہ بندہ میں وہ کر لے. تو اس میں جو ہے میرا مقصد تھا کہ لوگوں تک جو ہے کھانا تو سب بنا لیتے ہیں, میرے اور دوسرے کولیگز ہیں, میرے دوست ہیں, مطلب میری فیلڈ سے تعلق رکھنے والے شیفس ہیں, بہت محنت کرتے ہیں, بہت آپ یقین کریں 18-18 گھنٹے جو ہے, 12 سے لے کے 18 گھنٹے جو ہے ہم کھڑے رہتے ہیں اپنے ریسٹورنٹس میں, اور بہت محنت کرتا ہے ہمارا مطلب میرا طبقہ, اور اتنا آسان کام نہیں ہے. سو میں نے بولا یہ تو ہر کوئی کر رہا ہے, تو میں وہ چیز اپناؤں جو نہیں ہو رہی. سو میں پھر اس چیز میں آیا کہ میں لوگوں تک اچھا کھانا دوں. یہ کھانا ہے اس کے اندر ہے کیا؟ سو پھر میں نے مختلف سائنٹسٹ سے ملاقاتیں کی کہ اس چیز کو فوڈ سائنسز کو سمجھ سکوں, اس میں جو غذائیت ہے اس کے بارے میں جان سکوں. تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی, اور وہی میں پھر وہی بات کہوں گا کہ یوٹیوب نے بے تحاشا میری مدد کی, بے تحاشا. مطلب میں یقین جانیے کہ بیان سے باہر. سو اس سے میں نے لرننگ کی, پھر جو ایسے سوالات تھے جو نہیں مل رہے تھے, پھر میں جن سے سائنٹسٹوں سے ملا, میں تو نام لوں تو میرے بہت ٹائم نکل جائے گا. سو ان سے جا کے ملا, پھر سپر فوڈ پہ کام پتہ چلا, پھر سپر کراپس پہ بارے میں پتہ چلا, ایگریکلچر کے بارے میں, مطلب اللہ تعالیٰ نے راہ کھولتے چلے گئے. پھر مجھے پتہ چلا کہ پاکستان میں کیا نہیں تھا, کیا آ چکا ہے جو لوگوں کو نہیں معلوم. ہم صرف وہ دال چاول پہ جو ہے وہ گزارا کر رہے ہیں, اور اس سے ہمارے کو کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں, وہ ساری چیزوں کا مجھے پتہ چلا. پھر میں نے بولا یا اللہ یہ میرے کو پتہ چلا تو میں بھی جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے لوگوں تک بھی پہنچاؤں, یا صرف یہ نالج میری تک نہ رہے بلکہ میرے ملک و قوم تک پہنچے. اور اس سے نہ صرف یہ نہیں, جبکہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارا اس سے کتنا ذرہ مبادلہ ہم بڑھا سکتے ہیں اور کتنی غذائیت لے سکتے ہیں, یہ ساری میری قوم کو نہیں پتہ, یہ ساری چیزیں میری قوم کو نہیں معلوم. تو میں یہ چاہتا تھا کہ میں نے خود نہیں کچھ کیا. میں نے بولا کہ میں اگر کروں گا نا تو میری اس وقت کوئی مطلب ایک وائز میں کوئی ویٹیج نہیں ہے. آپ یقین کیجئے گا کہ میں نے اسی سے کہلوایا, میری جتنے بھی اگر انٹرویوز ہیں تو لوگ دیکھتے نہیں ہیں. اب بہرحال اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے یا وہاں پر تک بات پہنچے, اب انٹرنیٹ پہ موجود ہے, اللہ تعالیٰ میری زندگی نہیں تو آگے پہنچ جائے گی. میں نے تو اسٹارٹ کر دیا نا, تو آپ یقین کریے میں نے انہیں لوگوں سے بلوایا, انہیں کے میں نے انٹرویوز کیے, انہیں سے بلوایا. میں نے اپنی زبان سے کچھ کبھی نہیں بولا, جانتا تھا میں, لیکن میں نے بولا نہیں میں نے انہیں سے بنوانا ہے تاکہ ایک ویٹیج آئے.
अब उनके लोग, हमारी कौम अल्लाह माफ़ी दे, उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनको समझने के लिए तैयार नहीं है, उनकी चीज़ फॉरवर्ड। अच्छा, मेरे ख्याल में, मैं तो शायद व्हाट्सएप लोगों को करता हूँ या दूसरी चीज़ें भी करता हूँ, बहुत चीता लोग होते हैं जो फॉरवर्ड भी करते हैं। लोग फॉरवर्ड क्या करते हैं, हम लोग फॉरवर्ड वो करते हैं, वो अहमकाना किस्म के जोक्स, अहमकाना किस्म के क्लिप्स। मैं वो नहीं कह रहा कि ये ना करें, लेकिन भाई दूसरी इसको भी तो फॉरवर्ड कर दो। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे को कोई भी चीज़, माशाल्लाह आप देखें कितनी चीज़ें फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, कितनी सारी चीज़ें जो कि मेरे को मालूम होती हैं, मैं फ़ौरन उसको फॉरवर्ड करता हूँ। आप यकीन करें, मैं फॉलो भी अहमकाना लोगों को नहीं करता, हर किसी का अपना अपना वो है, मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं, वैसी तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन अजीब किस्म के जो पोस्टें करते हैं ना, मैं उनको अनफॉलो कर देता हूँ। मैं फॉलो भी उन लोगों को करता हूँ जिनके पास से मुझे कोई प्रोडक्टिव किस्म की चीज़ मिलती है, उनका जोक भी ऐसा हो कि जिससे मतलब बंदा मतलब महजूज हो, ना कि टॉर्चर हो। अब अहमकाना किस्म के जो है वो पॉलिटिकल और दूसरी किस्म की चीज़ें जिससे कोई फ़ायदा नहीं हासिल होने वाला, वो हम वो सारी हमारी कौम जो है ना वो कर रही होती है। मैंने आपसे कहा था ना उसमें, शायद आपने पोस्ट पढ़ी हो, कि आप मिकी डिज्नीलैंड से मिकी माउस को बुला लीजिए, उसका इंटरव्यू कीजिए, तो लोगों को वो चाहिए, उस पर उनका टाइम, आपका टाइम नहीं ज़ाया होगा, वो बहुत शौक से सुनेंगे। लेकिन आप जो है वो जो PhD डॉक्टर्स हैं उसके HR वाले, उनसे आप इनको नहीं सिखाएं कि मार्केटिंग क्या होती है, सेल्स क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है, ये हमने नहीं सीखना। हमने सीख कर करना है क्या, हमने तो वो IMS से लोन ले लेना, हमें क्या ज़रूरत है। हमारा जो है वो प्राइम मिनिस्टर लेता रहेगा, हमारी गवर्नमेंट जो है लोन लेती रहेगी, हमें पालती रहेगी, हमने थोड़ी उसको कुछ करना है। हमारी ज़िम्मेदारी नहीं बनती, हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि हम बस वो बिजली नहीं आ रही है तो रोड पे बाहर निकल के एहतजाज करेंगे, बिजली दो बिजली दो, ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन वो बिजली बन कैसे रही है इसका कोई वो नहीं है, किस पैसे से बन रही है, कैसे बन रही है, उसका किसी को पता नहीं है, क्या ज़रूरत पड़ी है। सो ये सारी चीज़ें आप यकीन कीजिएगा कि हमने जो चीज़ देखी है ना, बस अल्लाह, आप यकीन करें कि लोगों को किस तरीके से जो है हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता।